सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के बैकलॉग की भर्ती के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, 2/1/18 तक हमारे अनुसूचित जाति के 27,499 पद खाली थे और एसटी के अनुसूचित जनजाति के 12,334 पद और अन्य पिछड़े वर्ग के 9,165 पद अभी खाली पड़े हैं, जिनकी भर्ती नहीं हो पाई। और ये भर्ती ना होने की वजह से एससी एसटी और ओबीसी के जो मेधावी छात्र हैं, जो सर्विस के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उनके अंदर एक बड़ी निराशा पैदा हो रही है। इसलिए इन पदों का भरा जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और एक इस तरह का विधेयक पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए कि चाहे केंद्र सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी और स्वायत्त शासी संस्थाएं हों, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकार की संस्थाएं या अर्ध सरकारी संस्थाएं और स्वायत्त शासी जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंदर जो भी पिछड़े वर्ग एससी और एसटी की बैकलॉग की जो भर्तियां के पद खाली पड़े हैं, उनके एक फिक्स कर दिया जाए, ऐसा एक कानून बना करके कि 31 दिसंबर तक के जो भी पद साल में खाली होते हैं वो पूरे के पूरे उनको भर दिया जाए। इस तरह का एक कानून बनाने का काम किया जाए, यही मेरी जो है आपके माध्यम से सरकार से मांग है। धन्यवाद।